Hey viewers, how are you all and welcome back to my channel Smart English. So, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड करने वाले हैं और इंग्लिश स्टोरीज रीड करने से हमारी वोकैबुलरी तो इंक्रीज होती ही है, साथ में वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट भी होती है. तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड करने वाले हैं जिस स्टोरी का टाइटल है द आयरन बैलेंस. सो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम इस स्टोरी के टाइटल का मीनिंग जानेंगे. तो आयरन बैलेंस, आयरन बैलेंस क्या होता है? तराजू. तराजू वही जो हम दुकानों पे भी देखते हैं, वो आयरन का एक होता है जिसके ऊपर शॉपकीपर वेट मेजर करता है और हमें फिर उसके अकॉर्डिंग सामान देता है. तो वही होता है तराजू, जिसके अंदर दो तरफ हम सामान रखते हैं और वेट मेजर करते हैं किसका ज्यादा है किसका कम है. तो वो होता है तराजू. सो यहाँ पे है, वंस देयर वॉज अ ट्रेडर सन कॉल्ड वीरा. एक बार एक ट्रेडर यानी व्यापारी जो व्यापार करता है. तो एक बार एक ट्रेडर यानी व्यापारी का बेटा था जिसका नाम क्या था? वीरा. ही हैड लॉस्ट ऑल हिज मनी सो ही डिसाइडेड टू गो टू अनदर टाउन एंड ट्राई हिज लक. जो वीरा था वो अपना सारा पैसा खो चुका था. लॉस यानी गुम कर देना, खोना. वो अपना सारा पैसा खो चुका था और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो दूसरे शहर जाएगा और अपना लक ट्राई करेगा. ही हैड एन आयरन बैलेंस विच हिज फादर हैड गिवन हिम. वीरा के पास एक आयरन बैलेंस था. आयरन बैलेंस वही तराजू, उसके पास एक तराजू था जो कि उसके फादर ने उसे दिया था. गिव यानी गिवन, थर्ड फॉर्म हो गई गिव की, देना. ही वेंट टू हिज फादर्स फ्रेंड हु वॉज ऑल्सो अ ट्रेडर एंड सेड, अंकल आई एम गोइंग टू अनदर टाउन, विल यू प्लीज कीप माई आयरन बैलेंस सेफ फॉर मी अंटिल आई कम बैक. सो जब वो दूसरे शहर जाने वाला था तब वो अपने फादर के एक फ्रेंड के पास गया और बोला कि अंकल मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, क्या आप मेरा आयरन बैलेंस अपने पास सेफ रखेंगे जब तक मैं वापस आऊँ. सेफ यानी सुरक्षित रखना. तो वो ऐसे अंकल को यानी जो उसके फादर के फ्रेंड थे उन्हें बोलता है. द ट्रेडर सेड ऑफ कोर्स आई विल. ट्रेडर बोलता है, ट्रेडर यानी व्यापारी, जो जैसे उसके फादर का फ्रेंड था वो भी एक ट्रेडर था. तो वो कहता है ऑफ कोर्स आई विल कि ऑफ कोर्स हाँ मैं रखूंगा. सो वीरा लेफ्ट हिज आयरन बैलेंस विद हिज फादर्स फ्रेंड एंड वेंट टू द नेक्स्ट टाउन. तो वीरा अपना जो आयरन बैलेंस जो तराजू था वो अपने पापा के फ्रेंड के पास छोड़ देता है और दूसरे शहर चला जाता है. व्हेन ही केम बैक आफ्टर सेवरल मंथ्स He went to the trader and said, जब वो वापस आता है दूसरे शहर से कुछ महीनों बाद, वो ट्रेडर के पास जाता है और कहता है, अंकल प्लीज गिव बैक माई आयरन बैलेंस. कहता है अंकल प्लीज मेरा आयरन बैलेंस, प्लीज मेरा तराजू मुझे लौटा दो. गिव बैक यानी लौटाना, जैसे उसका जो तराजू था वो उसने अपने अंकल को दिया हुआ था तो वापस आने के बाद वो उनसे वापस मांगता है अपना तराजू. द ट्रेडर डिड नॉट वॉन्ट टू रिटर्न इट. जो व्यापारी था वो नहीं चाहता था उस तराजू को उसे वापस देना. तो इसलिए वो कहता है, सन आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज रैट्स हैव ईटन इट. बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकता, यानी मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे आयरन बैलेंस तुम्हारे तराजू को चूहों ने खा लिया है. वीरा सेड डोंट वरी अंकल सच थिंग्स हैपन. वीरा कहता है चिंता मत करो अंकल, ऐसी चीजें होती हैं.
Now I am going to the river to have a bath. Please send your son Deva with me to look after my things. उसके बाद वीरा कहता है कि मैं अब रिवर के पास, रिवर का मतलब होता है नदी, मैं अब रिवर के पास जा रहा हूँ टू हैव अ बाथ, बाथ मतलब नहाना, नहाने के लिए वो रिवर के पास जा रहा था, वो ऐसा बोलता है अंकल को, प्लीज सेंड योर सन देवा विद मी टू लुक आफ्टर माय थिंग्स। वो कहता है कि प्लीज आप अपने बेटे देवा, यानी जो व्यापारी का बेटा था उसका नाम क्या था, देवा, कि आप अपने बेटे देवा को मेरे साथ भेज दो ताकि वो मेरी चीजों की रखवाली करे, लुक आफ्टर यानी उसकी चीजों को देखना, उनकी रखवाली करना। तो वो ऐसा उसे बोलता है। सो द ट्रेडर सेंट हिज सन देवा विद वीरा, वीरा वेंट टू द रिवर एंड हिड देवा इन अ केव। तो जो व्यापारी होता है वो वीरा के साथ अपना बेटा, अपने बेटे देवा को भेज देता है। वीरा रिवर के पास जाता है और देवा को एक केव में छुपा देता है। केव का मतलब होता है गुफा, केव यानी गुफा। देन ही केम बैक टू द ट्रेडर, उसके बाद वो ट्रेडर के पास वापस चले जाते हैं। वेयर इज माई सन, जो व्यापारी होता है वो कहता है कि मेरा सन, मेरा बेटा कहाँ पर है। तो इस बात पर कहता है वीरा कि अ बिग बर्ड केम एंड कैरिड हिम ऑफ, यानी जो एक बड़ी सी, बिग यानी विशाल या फिर बड़ी, एक बड़ी बर्ड यानी चिड़िया, एक बड़ी सी विशाल चिड़िया आई और उसे ले गई, कैरिड यानी ले जाना, कैरिड हिम ऑफ उसे ले गई। सेड वीरा, वीरा ऐसा कहता है, अ बिग बर्ड क्राइड द ट्रेडर, एक बड़ी चिड़िया, ट्रेडर चिल्लाता है। अब यहाँ पर जो क्राइड है, क्राइड का मतलब वैसे तो होता है रोना, राइट, रोना होता है क्राई, बट यहाँ पे क्राई का मतलब एक चिल्लाने की वे में यूज किया हुआ है कि ये बात सुनकर ट्रेडर चिल्लाता है, एज वो शॉक्ड होता है तो ट्रेडर चिल्लाता है अ बिग बर्ड, तो इसलिए यहाँ पे क्राइड का मतलब चिल्लाने के लिए लिया गया है। यू लायर, तुम झूठे, लायर का मतलब होता है झूठे। यू लायर, हाउ कैन अ बर्ड कैरी ऑफ अ यंग मैन, तुम झूठे, एक चिड़िया एक यंग मैन को कैसे कैरी कर सकती है, हाउ कैन अ बर्ड कैरी ऑफ अ यंग मैन। वेल सेड वीरा, वीरा कहता है, वेल इफ रैट्स कैन ईट एन आयरन बैलेंस अ बर्ड कैन कैरी ऑफ अ यंग मैन। उसके बाद वीरा कहता है कि अगर चूहे एक आयरन बैलेंस को ले जा, एक आयरन बैलेंस को खा सकते हैं, तो एक बर्ड भी एक यंग मैन को कैरी कर सकती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि चूहे अगर आयरन बैलेंस खा सकते हैं तो फिर एक चिड़िया जो है यंग मैन को कैरी कर सकती है, वो ऐसा बोलता है व्यापारी को। Forgive me my son, he said. उसके बाद जो व्यापारी, जो ट्रेडर होता है वो कहता है forgive me, forgive मतलब माफ करना, forgive का मतलब होता है माफी, forgive me, तो वो उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो बेटे। he said, व्यापारी कहता है, I have been greedy, मैं greedy हो गया। तब यहाँ पे greedy का मतलब होता है लालची, ग्रीडी मतलब लालची। आई हैव मेड अ मिस्टेक, मैंने मिस्टेक की है, गलती की है, मिस्टेक मतलब गलती। ही रिटर्न्ड वीराज आयरन बैलेंस एंड वीरा रिटर्न्ड देवा टू हिम। तो जो ट्रेडर होता है, व्यापारी होता है, वो वीरा का आयरन बैलेंस तराजू से वापस कर देता है और वीरा देवा को उसे वापस कर देता है, यानी जो देवा था वो उसे उसके पास भेज देता है। और इसका जो मोरल है वो है टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा, या आपने सुना होगा वर्ड टिट फॉर टैट, इसका मतलब होता है जैसे
को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यानी टू डू समथिंग अनप्लीजेंट व्हेन समवन हैज डन समथिंग विद यू, किसी के साथ कुछ अनप्लीजेंट करना अगर दूसरे ने आपके साथ कुछ किया है तो. सो ये थी गाइज आज की स्टोरी, और ये काफी ज्यादा अच्छी स्टोरी थी, मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी. आई होप आपको भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी. एंड अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना. एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू लेटर.